आरती के लिए मैंने भी रखवाए हैं भजन आज घर में। हाथों की मालिश अलग हो रही पर सिर की अलग हो। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सब एकदम बढ़िया होंगे। गाजियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग। कल के ब्लॉग में आपने देखा ही था कि जोशी जी ऊपर छत पे काम करवा रहे थे और हमने नीचे सामान वगैरह पैक किया। आरती का जो ससुराल लेकर जाना है उसने बैग, और उसके बाद मैं व्लॉग एडिट करने लग गई थी क्योंकि मुझे पता है आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है, बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा मेरे पास। आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हमारे घर में भजन रखवाए गए हैं। जब मेरी शादी हुई थी, मेरी शादी से ऐसे ही एक दिन पहले मेरी मम्मा ने मेरे लिए भजन रखवाए थे, माता रानी का आशीर्वाद मुझे दिलवाया था, तो मैंने इसलिए आरती के लिए मैंने भी रखवाए हैं भजन आज घर में। तो अभी सामान वगैरह लेके आना, सारी तैयारियां करनी है, शुरुआत कर रहे हैं दिन की गर्मा गर्म पानी के। गुड मॉर्निंग जोशी जी, कैसे हो जी? पाल दिए तुमने? पाल दिए, बाल लंबे हो गए ना। कल मम्मा सुबह सुबह उठ गए थे और इन्होंने घर में सबको उठा के काम पे लगा दिया था। आज मम्मी आराम से सो रहे थे, आज रात ऐसे सोए ना, ऐसे से घराड़े मार रही थी, पूरा कमरा इनके घराड़े की आवाज से ऐसे तहस नहस हो रहा था। जो 8 बजे 9 बजे सोने वाला, वो 2:30 बजे सो रहा, वो क्या करेगा? तो पता लगा जो बोलते हो उठते लेट हो या ये है, भाई बंदा जिस हिसाब से सोएगा उस हिसाब से उठेगा। भी सबसे लेट मैं सोई थी, पूरे घर में सब लोग सो चुके थे, 4:30 बजे मैं सोई हूँ, लेकिन अभी भी मैं उठ गई हूँ। मम्मी के लिए पानी वगैरह मैं ही गर्म करके लेके आई। तो अभी करते बिस्तर सेट, अभी भजनों का न्योता भी नहीं दे रखा मैंने गली में। वैसे गली में सबको पता है कि भजन करवाने हैं मैंने आज, लेकिन एक बार मुँह से कहना बनता है ना। ईशान महाराज जी मजे से सो रहे हैं, अभी इनकी गुड मॉर्निंग नहीं हुई। सुबह का नाश्ता गर्मा गर्म मैगी। आज हमारे घर में पहली बार खुली मैगी आई है। जो खुली वाली मैगी, मास्टर शेफ मिस्टर जोशी जी यहाँ पे लगे हुए हैं मैगी की सेटलमेंट करने, क्योंकि किलो के हिसाब से मैगी बन गई और वो बिल्कुल भी स्वाद नहीं बनी। तो जो बची मैगी है उसमें तड़का लगाया जा रहा है प्याज टमाटर का। हरा जोशी जी बिल्कुल टैन टैन है। नहाकर मैं हो चुकी हूँ अभी तैयार। लब्बो घर में घूम रही है यहाँ पे। मम्मा ने जो जला दी थी पूजा पाठ पहले कर दिया था, और यहाँ पर अभी मम्मी के बाल बनाए जा रहे हैं। शीलू घर पे आई थी, अभी हमें सामान लेने के लिए बाहर जाना है, ढोलक मंजीरे वगैरह। तो अभी मैं तैयार हो रही थी तो मैंने कहा शीलू इतने में तो मम्मी के बालों में धबेली लगा दे। तो अभी मम्मी की आज परांदा लगाया जा रहा है। गुत्ते परांदा तेरा कर दा कमाल। यहाँ पर क्या हो रहा है जोशी जी? फ्रिज शिफ्ट कर दिया उसे तार का सेटलमेंट। ओके, टाइम हो चुका है इतना, और ये वायर यहाँ पे सेट की जा रही है क्योंकि फ्रिज आज इधर आ चुका है। एक बार पहले मैंने भजन करवाए थे घर पे, जब हम यहाँ आए थे छत पे करवाए थे उस समय पे, क्योंकि घर के अंदर स्पेस ही नहीं, आपने देखा है। अब अंदर का पोर्शन सारा खाली हो रखा है, तो मैंने कहा घर के अंदर भजन करवाते हैं, उससे ज्यादा अच्छा और कुछ नहीं होता। घर की भी शुद्धि हो जाएगी, आरती को माता रानी का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। और यहाँ पर अभी लवी और के घर से ये टेबल लाया गया है, इसके ऊपर कोरी चादर साफ सुथरी पहली बार इस तरह बिछी है, और अभी यहाँ पे भवन लगाएगा, पहले सामान लेकर आई। मैं हीरोइन हूँ। सही है, अच्छे लग रहे हैं, मजा ही आया था दबेली लगा के। करो ऐसे, दो उंगली को ऐसे बंद करो, ऐसे ऐसे कर दो। नानी को सिखा दिया। घर में सभी लोग अभी अलग अलग काम करने में लगे हुए हैं, नहाना है, तैयार होना है, सारा काम वाम है। उस समय मुझे लग रहा था कि 12-1 बजे का टाइम, शायद मैं लेट बोल रही हूँ, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मैंने जल्दी बोल दिया, शाम के मुझे रखवा लेते तो अच्छा होता। धूप आज आ रही है और मौसम हो रहा, पूरा बारिश वाला बोल रखा है ना, सबको सबको बोल दिया है, गली में भी सबको नहीं होता दे दिया है अभी। और मैं और शीलू जा रहे हैं अभी मूर्ति लेने। अभी तो चलो सीखे, थोड़ी सी बारिश ने इतना हाल खराब कर दिया। ढोलक पीछे मड़ा जा रहा है, तो अभी इसको बाद में अपने आप लेके आएंगी, और अभी हम लोग मूर्ति वगैरह लेकर जा रहे हैं। चले शिलू जी, हमारी अभी तैयारी नहीं है, हम अभी तैयार होकर पहुंचेंगे। ये देखो, ये मैडम जी पहले चढ़ गई है, घुमा के लाए इसे। चले चले साथ में। मेरी जिम्मी बिल्कुल ऐसी थी, बिल्कुल ऐसी थी मेरी जिम्मी। टमक टमक जब हटे बहतू पहाड़ी पर टमा, टमक टमक पहले कुंभरू भजने तेरे कुटमा, लाल कर चना हाथों में छोड़ी चन हरा, हाय हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। हरे कृष्णा हरे रामा राम रामा हरे हरे। अभी यहाँ पे मम्मी मंदिर बनाएंगे, सामान सारा आ चुका है। देवर जी ने गुड़ की कटैक वाली चाय बनाई है, सही हो रही है? वेरी गुड, थैंक यू सो मच। मैं गुड़ डालेंगी, बहुत स्वाद है।
बिल्कुल फीकी है, मुझे नहीं पता था। तभी तो भूल दिया है। सही से आप पियो, आप चाय पी के देखो ना मम्मा। अरे मैं बाकी सामान लेके जा रही हूँ मंदिर का, चीनी नहीं है जो चाहिए। आप तो दरबार तैयार करो ना, ठीक है आके मिलते हैं। अभी चुन्नी यहाँ पे माता श्री क्या कर रही है। मम्मा आप क्या कर रहे हो? ठीक है मैं सामान लेने जा रही हूँ, ठीक है। दुकान में आ गए हैं, बाहर निकलवाया जा रहा है अभी। सुंदर सुंदर से फूल दे देना, सात मालाएं दे दो। फल लिए जा रहे हैं अभी, मिठाई की दुकान पे आए हैं अभी। लड्डू लिए जाएंगे प्रसाद के लिए, लड्डू पैक करवा लिए हैं। चलिए घर से निकलते टाइम शीलू मेरे को कह रही है कि भाभी दो थैले क्यों उठाने, एक बहुत है। अभी पूरी भरी बैठी है नीचे और भी केले और दिए जा रहे हैं यहाँ पे। कैसे हो सर आप, उठ गए हो? हे परमात्मा, घर में सब अच्छा अच्छा करना, शादी ब्याह हमारा बढ़िया तरीके से हो जाए। आपको घर में आमंत्रित कर रहे हैं, आइए आशीर्वाद दीजिए। फूल यहाँ पर तोड़ लिए गए हैं और देवर जी ने यहाँ पे चुनरी भी माता रानी की सेट कर दी है। फटाफट फटाफट अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ। मम्मा ने भी साड़ी पहनी है, शीलू ने बहुत मदद करवाई आज मेरे तैयार होने में। जोशी जी भी तैयार हैं, बस अभी जा रहे हैं बाहर। मंगलम मंगलिया मंगलम पुंडरी का मंगला श्री कनो हरी बोलो शांति दरबार की जय। मैं मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। मंगलम गणजा मंगलम पुंडरी का मंगला श्री कनो हरी पंडित जी पहला खिलाओ, टीका लगा के खिलाओ, आते ना लगा था Thank you.
Thank you.
रही है। ईशान को भी दे दो भैया, ईशान को भी दे दो। मेरी बब्बी को बहुत जल्दी बला कर दो भाई, कूतरी पाई को। यही मेन शगन है जिसके लिए मिशन करवाए थे, हमारी बच्ची खुश रहे। जय हो। माता देगा ये हमारी मैडम जी सज गई हार वार पहन के। ये प्रसाद बांटा जा रहा है, अभी पहले कन्याओं को दिया जा रहा है। हमने होली मना ली, हैप्पी होली। इनसे मिलिए, इधर दिखा दो एक बार। ये है ईशान की मम्मी, ये है ईशान की मम्मी, जब बोलते ब्लॉग में दिखती नहीं है। लगाओ लगाओ हैप्पी होली देवर जी। अब बस जल्दी से मेरी देवरानी भी आए। हैप्पी होली होटल चले तेरा सिर में डालते मेरी तो शक्ल सबसे सुंदर लग रही है। रंगा हुआ मुंह देख के स्पेशल आई है लवी अंदर कि मेरे को भी रंग लगाना चाची की तरह। लो जी देवर जी ने तो नहला दिया रंग में अच्छे से। लो हैप्पी होली लवी। हम नहीं क्या यार, क्या है यार रंग है और क्या, रंग लगवा रहे तो आए थे आप। मम्मी मेहंदी का टीका लगा रही है सबको, इन्होंने अलग ही ट्रेंड चला रखा है। ये रहा इसके भी लगाओ। मेहंदी कौन सी मेहंदी है, रंगों से होली सब मनाते हैं, मेहंदी से भी लगा रहे हैं। ईशान जय, सबको जय के दी। आगे सबकी किस्मत चमकने वाली है। मुंह धो लिया अभी, मम्मी ने जो मेहंदी लगाई थी वो हल्की हल्की रच गई है माथे पे। यहाँ पे चेक किया जा रहा था किसकी किस्मत तेज है किसकी नहीं है। जोशी जी के नहीं रचा, पल्लवी के भी रचा है ना। हाँ मेरा पल्लवी के भी रहा है। मम्मी कैसे लगे भजन कीर्तन? बहुत अच्छा लगे। अच्छा लगे ना, मंडली बहुत अच्छी है, ऐसी मंडली मेरे पास होनी चाहिए। जो ढोलक वाले अंदर है वो स्पेशल बुलाए थे, वो यहाँ पे हमारे एरिया में ना सबसे बेस्ट ढोलक बजाते हैं वो। कितनी अच्छी और भजन भी बहुत प्यारे, आवाज भी बहुत अच्छी है। सही बात है, रंग भी उतरा नहीं ना सही से। सब आप निकाल दे बेटा। हाँ बता दो, ये उन्होंने पहनाई थी मेरे को, अड़ गई बालों मेरे, अड़ गई। हाय मम्मी मेरे बाल सारे उलझ गए, रंगी रंग हो गया बालों में। यही तो धोने पड़ेंगे, तो मैं हेयर स्टाइल बनवानी पड़ेगी ना। सब लोग एक साथ बैठ कर यहाँ पर भी भोजन कर रहे हैं, अभी हम भी भोजन करेंगे। घर में सभी को खाना खिला दिया, अभी बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं, इतनी थकान हो रही है ना, एक तो नींद नहीं पूरी हो पा रही। रात 4:30 बजे सोई हूँ, फिर सुबह जल्दी उठ गई थी और तब से काम ही काम यही सब कुछ चल रहा है। अभी मैं और पल्लवी यहाँ पे खाना खाने लगे हैं। गाइस ये वो खाना है जो मैं व्लॉग में आलू की सब्जी देख के आ रही, आज नसीब हुई है आलू की सब्जी और गरम गरम फुलके, क्योंकि जल्दबाजी में यार और कुछ समझ नहीं आता। अभी बहुत सारे काम करने जाओ, व्लॉग में आगे देख पाओगे। साथ में मम्मी हंस रही है, यहाँ पे खड़े होके हंस क्यों रहे हो, नजर उतार रही है। अरे माँ का प्यार, कितनी फिक्र होती ना बच्चे की, मेरी लातों में दर्द इतना ऐसा हो रहा है। मम्मी की नजर लगी तेरे को, ये वजह हमेशा ही होता है जब मैं साड़ी वाड़ी पहनती हूँ ना ढंग से तैयार होती हूँ, मुझे लग जाती है अक्सर नजर। मम्मी बिना मेकअप के भी तो सुंदर है, क्या करना। अभी क्या ही कर रखा है, मुंह धोया तेरे सामने तो अच्छी तो लग रही हो।
हमने भी खाना खा लिया अभी। मम्मी साथ साथ यहाँ पे बर्तन साफ करने लग गई, कह रही इतना ही काम कम हो जाएगा। मम्मी बहुत हासार कर रही है यार, मैं कपड़े उतार के रख ही रही हूँ तो मम्मी तह करके अलमारी में सब सेट कर दे रही है। थैंक यू मम्मा। माँ माँ होती है, माँ का बहुत सहारा होता है सच में। तो अभी मैं और आरती जा रहे हैं नेल्स का करवाने के लिए सिस्टम। मैं तो और नेल्स करवाऊंगी, आरती ने तो नाखून खा खा के बिल्कुल जड़ के अंदर गुजार रखे हैं, तो इसके भी करवाने हैं, मुझे अपने भी नेल सेट करवाने हैं। तो चलिए चलते हैं। उनके 6 बज चुके हैं अभी और पल्लवी ने भी ओला बुक करवा ली है, 2-3 दिन में इसकी ओला आने वाली है। हम जाए या वेट करें? जाओ, जाए ध्यान से जाना, पहुँच के फोन कर देना। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं, मिलते कल को, मिलते कल को। नेल पेंट रिमूव हो चुकी है अभी मेरी। ये है मेरी एंगेजमेंट वाली रिंग जो मैंने आज पेयर की है, ये हूँ मैं और ये है आरती मैडम। काचा बादाम बेबी, काचा बादाम इस पे ऐसे लगा कि खून बहता हुआ मस्त रहे। आरती के नेल्स हो रहे हैं अभी और यहाँ पे मैंने सोचा लगे हाथों सिर धुलवा लेती हूँ क्योंकि सुबह से टाइम मिलेगा नहीं। मेरा ले लो, रोते रहो। नेल्स करवाने की खुशी तो मुझे है लेकिन बाल धोना ना बहुत बड़ा काम था। एक तो सुबह ये हो जाता है कि वॉशरूम में मैं घुसूँ, अब ये कि सिर्फ उठना है सुबह और नहाना है। और आरती की शादी तक मैं बाल तो धोने वाली हूँ नहीं, कल धोने थे नहीं तो मेरे कल बाल, बुधवार है वीरवार की तो शादी है ना, तो आरती भी धोने वाली, ऐसा कुछ प्लान है। तो आज हम फ्री हो गए हैं, रात के 9:45 बजे अभी हम लोग यहाँ से निकलने लगे हैं। इन्होंने भी शटर डाउन कर लिया है और ये भी अभी जाएंगे घर। घर पहुँच के अभी हम यहाँ पे एक बार फिर से हुक्का पार्टी चल रही है, पूरी गली हमारी सजी हुई है। कैसे लग रहे नेल्स मेरे जोशी जी? सही लग रहे देवर जी? आरती को मेरा और आरती का नेल आर्ट बहुत पसंद आया। अच्छा लग रहा है देवर जी? बहुत बढ़िया लग रहा है, ये वाला तो ज्यादा ही सुंदर लग रहा है जो चमक रहा है। कह रहे मेरी जो होने वाली दुल्हन होगी ना उसको मैं कहूंगा ऐसी नेल बना के आना। तो अभी मेहंदी वाली भी घर पे आ चुकी हैं। वैसे तो मेहंदी की रस्म कल होने वाली है लेकिन हम जो मेन घर वाले मेंबर्स हैं फिर कल बहुत ज्यादा बिजी हो जाएंगे, फिर नाचना गाना भी रहेगा, सबको अटेंड करना भी रहेगा, तो इसलिए मैं सोचू जो मेन हम लोग घर पे हैं उन सबकी आज ही मेहंदी लगवा देती हूँ। तो मेहंदी वाली भी आ चुकी है बाहर और अभी मेहंदी की रस्म शुरू हो रही है। उनकी बुआ ईशान के लिए कपड़े लाई है, ईशान की बुआ घर आई है। हेलो दीदी, अभी हम घर वापस आए तो दीदी आ चुके हैं और मेहंदी लगनी शुरू हो रही है। शुरुआत मम्मा से कर रहे हैं वहाँ पर, देखो, और मम्मी अभी बाल खोल रही है क्योंकि मम्मी के बालों में मेहंदी लगाने का प्रोग्राम हो रहा है। तो यहाँ पर अभी मेहंदी लगाई जा रही है, सासू माँ जी के बालों में भी मेहंदी लग रही है, हाथों में भी मेहंदी लग रही है और मम्मी के भी बाल अभी यहाँ पे खुले हुए हैं। मम्मी के भी अभी ऐसा लग रहा है मैं खूब राजा घर की हूँ, हाथों की मालिश अलग हो रही है पर सिर की अलग हो रही है, ऐसा लग रहा है मैं राजगद्दी में बैठने वाली हूँ थोड़ी देर बाद। मम्मी की मेहंदी लग चुकी है, पीछे करना हाथ लीजिए, मम्मी के हाथ गए हैं सच। अब यहाँ पारुल की लग रही है मेहंदी और मम्मी के तो मैंने गला कारीगरी, पीछे करो। मेहंदी रचने लगी, फोकस, क्योंकि ये मैंने दुल्हन ने लगाई है। गुड मॉर्निंग जोशी जी, गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है अभी सुबह के 12:15, यहाँ पर अभी रात का खाना खाया जा रहा है, पीछे वहाँ पे मेहंदी लग रही है, हमारी दुल्हन मेहंदी लगा रही है शिलू के ताकि जल्दी जल्दी शगन हो। शिलू देख रही है अभी यहाँ पारुल की मेहंदी लग रही है, एक हाथ में लग चुकी है, दिखाना पारुल, उल्टा करना अच्छी लगी। जब आरती और मैं गए हुए थे नेल आर्ट करवाने के लिए उस समय जोशी जी और
गोविंदा देवर जी और कमल देवर जी इधर खड़े हैं सब लाइन में। तो ये सब लोग शॉपिंग करके आए हैं, अभी इनके शॉपिंग के डब्बे हैं, इनकी ड्रेसेस हैं, आज इनको टाइम मिला शॉपिंग करने का भाई लोगों को सबको। तो ये अभी मैं देखने लगी हूँ, जब ये पहनेंगे आपको तो तभी दिखाई देगा। मैंने एक भी कपड़ा अभी तक रिवील नहीं किया, शादी के समय पे जब हम सब पहनेंगे तभी आपको दिखाई देंगे। रात के 1 बजने वाले हैं, अभी पारुल के हाथ में ही मेहंदी लग रही है, उसके बाद मेरे हाथ में मेहंदी लगेगी। और अभी मुझे व्लॉग भी एडिट करना है, बहुत सारा काम है जिंदगी में। और सबसे अच्छा काम ये हुआ कि जोशी जी ने अपनी शॉपिंग निपटा ली, मुझे इनकी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, इन्होंने कपड़े नहीं खरीदे थे अभी तक, तो ये काम ये बहुत बढ़िया हो गया। आज चाचा जी घर पे आ गए हैं और बाकी जो के जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो सब कल को घर में आएंगे, कुछ तो आज रात ही पहुंच जाएंगे ना, तो वो आपको कल के ब्लॉग में दिखाई देगा जो जो घर में आएंगे। तो काफ़ी घर में रौनक लगी हुई है, शादी वाला घर है, चहल पहल हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है माहौल फिलहाल। और आप लोग जैसे प्यार आशीर्वाद दे रहे हो अभी तक, वैसे आगे भी देते रहिएगा, ब्लॉग्स को खूब सारा प्यार देना और आशीर्वाद भी देना। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, आइए आहा आहा।